अस्सलाम वालेकुम सेवन क्लास, आज हम लोगों ने पढ़ना है रेन इन समर। टॉपिक है आप लोगों का, पेज नंबर है आप लोगों का 42। पेज नंबर 42 में हम लोगों ने पढ़ना क्या है, वोकेबलरी मीनिंग्स है आप लोगों के। ठीक है, वोकेबलरी आप लोगों का टॉपिक है, सब टॉपिक जो है वो वोकेबलरी है। फाइंड आउट द वर्ड्स, लफ्ज़ों को तलाश करें फ्राम द पॉइंट नज़म से, विच हैव द सेम मीनिंग, जो कि आपको सेम मीनिंग देते हैं। एज इन कॉलम ए, जिस तरह कॉलम ए में राइट किया गया है उसी को फॉलो करके आपने राइट दम इन कॉलम बी, कॉलम बी में राइट करने हैं। स्टूडेंट्स, आपने किस तरह करने हैं, आप लोगों ने जो ए और बी पार्ट है, ए में जो वर्ड्स दिए गए हैं उसके मीनिंग्स मीन्स के सेम आप लोगों ने मीनिंग राइट करने हैं। सेम मीनिंग्स आपने उर्दू में नहीं मीन्स इंग्लिश में ही करने हैं। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट वाला जो कॉलम ए है वो किस तरह हम करते हैं, मेक्स रिपीटेड शॉर्ट साउंड्स, शोर मचाते हुए या बार बार तेज आवाज़ें देते हुए। स्टूडेंट्स, पोएम में अगर देखें तो मेक्स रिपीटेड शॉर्ट साउंड, हमें तेज़ आवाज़ें किस चीज़ की आ रही, शोर मचाते हुए क्या था। तो हम अगर पोएम्स में देखें तो पोएम में देखें, सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड था वो क्या था, हाउ इट क्लैटर्स अलॉन्ग द रूफ्स, इसका क्या था कि ये छतों से किस तरह शोर मचाती है, छतों पर किस तरह शोर मचाती है। तो ज़्यादा तेज शोर मचाती हुई क्या आ जाएगा, क्लैटर्स। ठीक है ना, सेम मीनिंग्स आ गया आप लोगों का। कॉलम ए में था मेक्स रिपीटेड शार्प साउंड्स, तेज़ आती हुई, तो यहाँ पे हमने क्या कर देना है, क्लैटर्स, सी एल ए डबल टी ई आर एस, क्लैटर्स। ठीक है ना, सेम मीनिंग्स आ गया कि मेक्स रिपीटेड शॉर्ट साउंड, तेज़ आवाज़ें आते हुए शोर मचाते हैं, शोर मचाते हुए को आप बोलेंगे क्लैटर्स। ठीक है, रशिज फोर्थ, रशिज फोर्थ का मतलब होता है तेज़ी से बढ़ते हुए, तेज़ी से बढ़ते हुए। तो यहाँ पे हमने पोएम से पढ़ा था, तेज़ी से बढ़ते हुए को हमने क्या किया था, गशिज, जोर लगाते हुए, तेज़ी से बढ़ते हुए। हाउ इट गशिज, ये किस तरह ज़ोर से बहती थी या किस तरह ये तेज़ी से बढ़ते हुए, तो यहाँ पे तेज़ी से बढ़ते हुए का सेम मीनिंग्स क्या आ जाएगा, गशिज, जी यू एस एच ई एस, गशिज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है एज हॉट एज फायर, आग की तरह तपती हुई या आग की तरह बरसना। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे क्या किया था, इन द ब्रॉड एंड फायरी स्ट्रीट, गलियों में कशादा और आग बरसाती गलियों में, आग बरसाती गलियों में। यहाँ पे जो फायरी वर्ड्स था ये हमें शो क्या करता है, एस हॉट एस फायर, तो हमने फायरी की स्पेलिंग यहाँ पे राइट करना है, एफ आई ई आर वाई, फायरी। नेक्स्ट हमारा द हार्ड पार्ट ऑफ द फीट ऑफ हॉर्सेस, घोड़े के पाँव की तरह सख्त, घोड़े के पाँव के सख्त हिस्से। अब जो घोड़े के पाँव होते हैं उसके सख्त हिस्से को हम लोगों ने क्या बोला था। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पोएम में देखा था कि लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूफ्स, लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूफ्स को हमने किस तरह किया था, कि किसी आवारा गर्द या किसी घुड़सवार के घोड़े के कदमों की आवाज़ के साथ, मीन्स के घोड़े के सुन या घोड़े के कदमों की आवाज़, तो उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हूफ्स। ठीक है, क्या यहाँ पे राइट करेंगे, हूफ्स, ये आ गया आपका हूफ्स। इसी तरह आपने इसको फॉलो करके आपने लर्न करने हैं। नेक्स्ट देखिए पार्ट बी, पार्ट बी में क्या है, कंसल्ट अ थेसरस एंड फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कंसल्ट अ थेसरस, थेसरस भी एक डिक्शनरी वर्ड्स होते हैं जिसमें आपने कंसल्ट करने होते हैं और आपने उसमें वर्ड्स को आपने फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट किस तरह आपने करना है कि सबसे पहले वर्ड्स का मतलब होता है अल्फाज या लफ्ज, सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, हम मायनी लफ्ज मीन्स के मुतरादिफ, सिनोनिम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हम मायनी लफ्ज, हम मायनी लफ्ज बोलेंगे या इसको हम बोलेंगे मुतरादिफ, सिनोनिम्स किसको बोलेंगे, मुतरादिफ। अब लेन, लेन का मतलब होता है गली, गली। ठीक है ना, अब गली के मुताबिक हमने गली को इंग्लिश में ही लिखना है लेकिन उसके वर्ड सेम हमने लेन नहीं लिखना है, मीन्स के लेन के हम मायनी लफ्ज, इसके मुतरादिफ जो सिनोनिम वर्ड्स होंगे उसको हमने फॉलो करके राइट करना है। लेन अगर हम गली को बोलते हैं तो हम स्ट्रीट भी तो गली को बोलते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या कर लेना है, स्ट्रीट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, पैथवे, पैथवे रास्ता या गली। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बोलेंगे अले,
अली का मतलब क्या होता है? पटरी को बोलते हैं, गली को बोलते हैं, इसको हमने क्या करेंगे? अली वे भी करेंगे आप तो फिर भी ठीक हो जाएगा। स्विफ्ट का स्टूडेंट मतलब होता है तेज़ी से, तेज़। तो हम यहाँ पे करेंगे फास्ट तेज, क्विक तेज। नेक्स्ट हमारे पास स्पीडी, स्पीडी का मतलब भी क्या होगा? तेज। नेक्स्ट हमारे पास मडी, मडी का मतलब होता है कचरा या कीचड़ से भरा हुआ, कीचड़ से भरा हुआ, जैसे गंदा पानी हो, हमने पोएम में पढ़ा था गंदा पानी बहता हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सलमी बर्ड राइट करेंगे, ठीक है। सलमी को हम करेंगे कीचड़ से भरा हुआ, सलमी के बाद हम करेंगे इम्प्योर, ठीक है। इम्प्योर का मतलब भी क्या हो जाएगा? मट्टी का। इम्प्योर की बजाय आप लोग यहाँ पे अर्थी भी राइट कर सकते हैं। किस तरह करेंगे? ई ए आर टी एच वाई, अर्थी, मट्टी का, डर्टी, ठीक है। आप यहाँ पे इम्प्योर की बजाय अर्थी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है नैरो, नैरो का मतलब होता है तंग, मीन्स के टाइट। टाइट के साथ हम करेंगे यहाँ पे शॉर्ट, शॉर्ट के अलावा यहाँ पे आ जाएगा क्लोज। शॉर्ट के बजाय आप यहाँ पे फिक्स वर्ड भी राइट कर सकते हैं, फाइन वर्ड भी राइट कर सकते हैं, लिमिटेड वर्ड भी आप लोग यहाँ पे राइट कर सकते हैं। जिस तरह आप इम्प्योर की जगह पे अर्थी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, उसी तरह आप शॉर्ट की जगह पे फिक्स वर्ड या फाइन वर्ड या लिमिटेड वर्ड भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये तो स्टूडेंट्स हमारे सिनोनिम वर्ड्स। नेक्स्ट हमने करना है क्वेश्चंस। क्वेश्चन हम लोगों ने करना है एक्सरसाइज क्वेश्चन। एक्सरसाइज क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट वाला, When does the rain looks beautiful? बारिश कब खूबसूरत दिखाई देती है या बारिश कब खूबसूरत लगती है? देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे किस तरह लगती है आपको। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर वन है, When does the rain look beautiful? ठीक है, यहाँ पे हमारे प्रेजेंट में बात हो रही है, What does the rain look beautiful? तो आंसर में क्या करेंगे? The rain, बारिश, looks दिखाई देती है, beautiful means खूबसूरत। When, जब, dust, गर्द गुबार, as well as, जैसे के, heat means गर्मी, vanishes means गायब हो जाती है, after it, उसके बाद। कहते कि जब बारिश गर्द गुबार के साथ गर्मी भी ख़त्म हो जाएगी तब हमें बारिश होती हुई खूबसूरत लगेगी या बारिश खूबसूरत लगेगी। ये नहीं कि बारिश की वजह से गर्द गुबार ख़त्म हो जाए तो हम बारिश खूबसूरत लगेगी, नहीं, बारिश गर्द गुबार के साथ साथ गर्मी भी ख़त्म कर दे या गर्मी भी ख़त्म हो जाए तो हमें बारिश खूबसूरत लगती है। डायरी मेंशन कर लें, डायरी आप लोग क्या होगी, पेज नंबर है 42 लर्न करना है आप लोगों ने, और पेज नंबर 43 जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज क्वेश्चन है, लर्न प्लस राइट।